देखिए, अभी वर्ल्ड जीडीपी देखा जाए तो करीबन 100 ट्रिलियन डॉलर है, उसमें इंडिया का 3.75 ट्रिलियन डॉलर, तो 3% है, और पॉपुलेशन जाए तो 1/8 है पॉपुलेशन, तो 12% का पॉपुलेशन है। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस तरफ से अपनी जीडीपी कम है। आप देखा जाएंगे तो जो बड़ी जो टॉप 5 नेशन है, हम लोग 5th पर हैं, उनकी सबकी पर कैपिटा बहुत हाई है। इंडिया की सिर्फ $2200 है पर कैपिटा पर आदमी का, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी कम है। इसके अनुरूप कंपेयर टू दैट अमेरिका का $70,000 की पर कैपिटा है। जहाँ तक आप जो बोले डेवलप, तो करीबन $20,000 से ऊपर की जो पर कैपिटा होती है ज़्यादातर वो बोलते हैं। दूसरा चीज़ है जो इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट लो है, हेल्थ केयर सिस्टम रहना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम रहना चाहिए, उन्हें ज़्यादातर बोला जाता है। जैसे मैंने कहा $70,000 है अमेरिका का। चाइना का देखा जाए तो चाइना भी लार्ज पॉपुलेशन, नंबर 1 पॉपुलेशन है, उसका भी इंडिया के आंकड़ा से करीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा पर कैपिटा है। $12,000 है, इंडिया का $2200 है। तो हमें अपना पर कैपिटा बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और उसके कई चीज़ जो गवर्नमेंट कर रही है उससे ये ज़रूर हो जाएगी। हम जो रेड कार्पेट चाहते हैं, रेड टेपिज्म से रेड कार्पेट पर हर एक जगह पर काफ़ी काम हो चुका है, पर इसमें काम करना और ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन इन्वॉल्वमेंट। ऑलरेडी हमारी लॉ लगी हुई है ताकि वुमेन इन बिजनेस आना ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन भी 50% ऑफ द वर्कफोर्स है ही नहीं। डेवलप्ड नेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन। अभी भी बेसिक एजुकेशन एट द ग्रास रूट लेवल नहीं हो रहा है जिस हिसाब से हम चाहते हैं। तो बेसिक एजुकेशन एंड बेसिक हेल्थ केयर, इस पर ध्यान देंगे तो जैसे हर एक का जो कंजम्पशन लेवल होगा बढ़ता ही जाएगा। चौथा चीज़ है, मैं कहूँ कि जो हमारे इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स बोले या लीगल रिफॉर्म्स बोले, चौथा चीज़ है मैं कहूँ कि जो करप्शन है काफ़ी तक कम हो गया है। गवर्नमेंट का प्लान है नेट ज़ीरो इमिशन।